फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंग्लिश 24/7 बानेट्स। दोस्तों, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम ज़रूर है कि आप इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाए। पर दोस्तों, एक वीडियो देखने से खाली आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी। इस वीडियो से जो टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ज़रूरत है उनको रेगुलर लाइफ में फॉलो करने की, ताकि सच में आपको ये बिलीव हो पाए कि हाँ, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं। दोस्तों, अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, जिससे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। फॉर एग्जांपल, टेंसेस, वर्ड्स मीनिंग, लिंकर्स, मोडल्स, जो हमारा बेस इंग्लिश का, दोस्तों मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आज से मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि कैसे आपके कम्युनिकेशन डेली लाइफ में आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर दोस्तों वो वीडियोस आपसे मिस हो गई, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसको आप डेली लाइफ में ऐड कीजिएगा। दोस्तों चलिए, टाइम वेस्ट के बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी हैबिट्स की। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता है कि डे टू डे लाइफ में हमारी जो हैबिट्स होती हैं, उनको बदले बिना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, अगर हम सच में अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उन हैबिट्स को स्टेप बाय स्टेप हम रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको टिप्स दूंगा, दो तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं। वो क्या टिप्स हैं दोस्तों, इसको वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को परफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉर्निंग सेंटेंसेस इंग्लिश और हिंग्लिश में भी, ठीक है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी जो हैबिट्स है, हमें ज़रूरत है उनको मॉडिफाई करने की, ज़रूरत है इंग्लिश को उनमें ऐड करने की। तो दोस्तों, हमारी जो हैबिट्स हैं वो मॉर्निंग से शुरू होती हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं वहीं से हमारी हैबिट्स शुरू हो जाती हैं। अब ज़रूरत है दोस्तों, आज से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने वीडियोज़ में आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को अपनी हैबिट्स में ऐड कर सकते हैं और कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है दोस्तों, हिंग्लिश, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मेरे चैनल का नाम जैसे कि हिंग्लिश इंग्लिश है। हिंग्लिश मीन्स दोस्तों हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करके बोलना। डायरेक्टली दोस्तों इंग्लिश में बात करना काफ़ी इंपॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। हमें पहले ज़रूरत होती है दोस्तों हिंदी में थोड़े थोड़े इंग्लिश के सेंटेंसेस वर्ड्स मिक्स करने की, ताकि हमारी जो हिंग्लिश है वो एक्टिव हो पाए। और एक बार आपकी हिंग्लिश एक्टिव हो गई तो दोस्तों वहाँ से इंग्लिश तक का सफर काफ़ी ईजी है। तो दोस्तों, दोनों तरीकों से मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आपको अपने एक्सप्रेशन मॉर्निंग हैबिट्स में चेंज करने हैं, कैसे अपने मॉर्निंग रूटीन्स में इंग्लिश को ऐड करना है, ताकि आप उसको रिफॉर्म कर पाएँ। चलिए दोस्तों, उन एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्रेशन है दोस्तों हमारे पास में, आप जैसे सुबह उठते हो, आपने नोटिस किया हो कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर, आपके फादर साहब, आपकी मदर, या आपके कोई सिबलिंग, कोई भाई बहन आपको आके उठाते हैं। और जब आप उठ जाते हो, उसके बाद जब वो लोग दोबारा से आपको आवाज़ लगाते हैं उठे या नहीं, तो आपका रिप्लाई क्या होता है दोस्तों, हिंदी की हम अगर बात करें तो, हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, या हाँ मम्मी बस 5 मिनट में उठ रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस हैबिट को हम बदलेंगे। इस तरीके से हम जो रिप्लाई देते हैं मॉर्निंग में उठते ही, उसको बदलने का तरीका दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैंने दो तरीके के एक्सप्रेशन आपको समझाए हैं, दो तरीके के सेंटेंसेज आपको समझाए हैं, एच और ई। एच मीन दोस्तों अगर आप इंग्लिश में रिप्लाई देते हैं तो, और ई मीन्स अगर आप इंग्लिश में रिप्लाई देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो पहला रिप्लाई हिंदी में तो ऑलरेडी आप बोल ही रहे हैं, पहले उसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप एच वाला यानी कि इंग्लिश वाला एक्सप्रेशन देना शुरू करें अपनी लाइफ में, ताकि इंग्लिश तक का सफर आपका आसान हो। अगर दोस्तों इसी रिप्लाई को अगर हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, मान लीजिए हिंदी में आप बोल रहे हैं हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ, इट मीन्स इसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करूँ, तो हम इसको कैसे बोलेंगे दोस्तों, बस 5 मिनट्स में गेटिंग अप। ठीक है दोस्तों, गेट अप मतलब उठना होता है, अगर मैं उठना हूँ यानी कि प्रोसेस चल रहा है तो हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो यह जगह गेटिंग अप। यानी कि उसी अगर आप रिप्लाई को इंग्लिश में देते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, बस 5 मिनट्स में गेटिंग अप, या बस 5 मिनट में गेटिंग अप। तो दोस्तों ये बात हो गई इंग्लिश की। इसी एक्सप्रेशन को यानी कि इसी डेली हैबिट को अगर हम मॉर्निंग हैबिट को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरी इंग्लिश में इसको बोलूं, तो जस्ट गेटिंग अप इन 5 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ऑप्शंस हैं इस वाले आपके एक्सप्रेशन को बदलने के। दोस्तों लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए, जब तक आप इंग्लिश को अपने एक्सप्रेशन में ऐड नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश में कुछ भी आपको बदलाव नहीं दिखाई देगा दोस्तों। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि एकदम से वो इंग्लिश में लाना बहुत इंपॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत सारा करेज चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये इंग्लिश वाला तरीका बताया, ताकि हिंदी तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, बस उसमें आपको एक वर्ड रिप्लेस करना है, वो काफ़ी आसान है। एक वर्ड रिप्लेस करना दोस्तों काफी आसान है, बस उठने की जगह आपने गेटिंग अप वर्ड यूज कर दिया। और अगर पूरा एक्सप्रेशन आप एक साथ बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि जस्ट गेटिंग अप इन 5 मिनट्स। दोस्तों ये हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन, जो हम उठते ही देते हैं। उसके बाद करते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस की, जो हम ज्यादातर इंग्लिश में यूज हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप मान लीजिए चले गए वॉशरूम के अंदर में, उठ के आप बाहर चले गए और फिर से हमें एक आवाज़ आती है। दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा होता है अक्सर, मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई क्या कर रहे हो। तो मैक्सिमम लोग, मोस्टली लोग रिप्लाई करते हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ या मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर इसी रिप्लाई को यानी कि इसी एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में देने की कोशिश करें, यानी कि एच की तरह से देने की कोशिश करें, तो कुछ नहीं बस ब्रशिंग टीथ।
आप उतना हिंदी में बोलिए दोस्तों, कुछ नहीं, इट्स ओके, बस ब्रशिंग टीथ, ठीक है दोस्तों, बस ब्रश कर रहा हूं कि जगह पे आप बोल दीजिए ब्रशिंग टीथ। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमने इंग्लिश का वर्ड है उसमें ऐड करा अपने एक्सप्रेशन में, उससे बेनिफिट ये होगा कि हाँ मॉर्निंग से उठते आपके माइंड में ये क्लिक करेगा कि यार मुझे इंग्लिश का यूज डेली करना है। उससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस दो चार दिन बाद आपको लगे हाँ बढ़ रहा है, फिर आप इंग्लिश वाले एक्सप्रेशन पे आ जाइए। दो तीन दिन आप इंग्लिश वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कीजिए, जब आपको लगे आप इसे बोल पा रहे हैं फिर आप इंग्लिश वाले एक्सप्रेशन पे आ जाइए। अगर इस एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में पूरा देना चाहते हैं तो नथिंग जस्ट ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है दोस्तों। तो दो एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा, दो तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं जो मॉर्निंग में उठते ही हम इस्तेमाल करते हैं, या तो कुछ नहीं बस ब्रशिंग टीथ, या फिर इंग्लिश में नथिंग जस्ट ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है। तो बात करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की, हम जो मॉर्निंग में मोस्टली लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम ब्रश कर रहे हैं तो आप कई बार अपने किसी भाई बहन को, मॉम को, डैड को कह देते हैं कि एक बाल्टी मेरे लिए भी पानी भर देना, मैं बस ब्रश कर लूँ, मुझे देर हो रही है, आप एक बाल्टी मेरे लिए पानी भर दीजिए। अब दोस्तों ये बाल्टी वाला जो सेंटेंस है ये बहुत कॉमन है, इसको हम कैसे बदलेंगे? अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? एक बकेट वाटर फिल कर दो, भाई एक बकेट वाटर मेरे लिए भी फिल कर दो। उसके आगे दोस्तों जिससे भी आप ये बोल रहे हो उनका नाम वहाँ पे आप ले लीजिए। मैंने कहा ना दोस्तों इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, बाकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि ये एक्सप्रेशन आप किसके सामने दे रहे हैं, मॉम के, डैड के, आपके भाई बहन के, और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ भी आप ये बोल रहे हैं, उसका नाम लगा के आप वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, एक बकेट वाटर फिल कर दो। अगर इसी एक्सप्रेशन को, इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? फिल अप बकेट ऑफ वाटर फॉर मी, या प्लीज फिल अप अ बकेट ऑफ वाटर फॉर मी। दोस्तों इससे बेनिफिट फिर वही सेम कि आपकी जो इंग्लिश है वो मॉर्निंग से ही क्लिक करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दोस्तों हमारे पास में जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी आपको एक्टिविटी है जो आप बहुत जल्दी में हैं, आप देर हो गए तो आप क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे पहले नहाने के लिए जा रहा है तो आप कहते हैं भाई रुक जा पहले मैं नहा लूँ, ठीक है दोस्तों। कई बार आपने ये देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली बेसिस लाइफ में हम ये सब कुछ बोलते हैं, बहुत बार ये एक्सप्रेशन हमारे साथ में यूज़ होते हैं कि पहले मैं नहा लूँ क्या। तो आप हिंदी में इसको अगर बदलते हैं इंग्लिश के अंदर तो आप इसको कैसे बोलेंगे? क्या पहले मैं बात कर सकता हूँ? भाई एक मिनट रुक जाए मुझे लेट हो रही है, क्या पहले मैं बात कर सकता हूँ? बस बात वर्ड में वहाँ पे लेके आ गया दोस्तों, उससे इंग्लिश का इस्तेमाल आपका एक्टिव हो जाएगा, और दो तीन दिन चार दिन जब आप इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे उसके बाद में आप इसको डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहा है। फिर इसी एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में कैसे देंगे दोस्तों? मे आई बात फर्स्ट, या मे आई टेक अ बात फर्स्ट, या कैन आई टेक अ बात फर्स्ट, ठीक है। सो कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों एक्सप्रेशन में से आप जिसको भी आप प्रेफर करें, मैं फिर से कहूँगा इंग्लिश में जरूर इसको यूज़ कीजिएगा, इंग्लिश में अपने आप से यूज़ होना वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें इंग्लिश को एक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी हमारे पास है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स को मिक्स करना बहुत ईजी है, उसके अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस को पूरा बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में यूज़ करिए, जब इंग्लिश एक्टिव हो जाए फिर इसको इंग्लिश में लेके आ जाइए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा, और जो सबसे कॉमन है, कई बार ये भी हमने बहुत फेस किया होगा कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कई बार रेडी हुआ या नहीं हुआ इसमें कन्फर्म नहीं है, हम अपने कपड़े पहन रहे होते हैं, हम अपने काम को रेगुलर कर रहे होते हैं, अचानक से हम अपनी मम्मी से या किसी फैमिली मेंबर से पूछते हैं मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है क्या, तो हम इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? आप नाश्ते की जगह पर क्या बोल देंगे? यहाँ पर ब्रेकफास्ट वर्ड यूज़ कर देंगे कि ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, क्या मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम इंग्लिश में बोले प्रॉपरली तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इज माई ब्रेकफास्ट रेडी, ठीक है दोस्तों। तो दो तरीके मैंने बताए जिनमें से दोनों में से आप किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों पांचों एक्सप्रेशन जो हैं आप दो तरीके से अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, पहले इंग्लिश में और फिर इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। अगर ये फॉर्मेट्स आपने फॉलो करने शुरू कर दिए तो आप देखेंगे कुछ ही डेज बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मॉर्निंग से ही बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे एक्सप्रेशन हमारे मॉर्निंग हैबिट से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक्सप्रेशन हैं जो आप मॉर्निंग में देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे जो आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, उनको आप अपने माइंड से खुद ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आप आई बटन पर जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, उनकी हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्सप्रेशन को खुद से इंग्लिश में बदलना सीखिए ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये पार्ट वन है, हमने अभी मॉर्निंग हैबिट्स की बात की, आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह से मैं और पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें छोटी छोटी अपनी रेगुलर हैबिट्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊंगा, बाकी के एक्सप्रेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आज से ये एक्सप्रेशन जरूर बदलिएगा और इन एक्सप्रेशन को अपनी लाइफ में ऐड जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग से ही आप इंग्लिश या इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने एक्सप्रेशन को बदल पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपको सब चीज़ इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली जो मैं सीरीज अब आपको पार्ट वन पार्ट टू इस तरह के जो आपको वीडियोस बताने वाला हूँ जिसमें हम आने वाली हैबिट्स को भी कैप्चर करेंगे वो आपसे मिस ना हो और आप रेगुलरली उन चीज़ों को फॉलो कर पाए।
अगर दोस्तों इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपका ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप हिंदी में तो बोल पाते हैं, आप चाहते हैं कि उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें या इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने अपना नंबर शेयर किया था, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए बेझिझक। आप डरिए मत, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी 100% हेल्प करूंगा ताकि इंग्लिश बहुत जल्दी से परफेक्ट हो पाए। तो दोस्तों प्लीज़ इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को जरूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों पार्ट वन में जो मैंने आपको शेयर किया उसको यूज़ कीजिए, आने वाली वीडियोस में और सारी हैबिट्स को हम कैप्चर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।